अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। ये वो बयानिया है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई है जो दुश्मन को खुश करने वाली बातें कर रहा है? इल्जाम पाकिस्तान पे यूरोप से नहीं लगा, अमेरिका से नहीं लगा, अरब ममालिक से नहीं लगा, अफगानिस्तान के अंदर से नहीं लगा, सेंट्रल एशिया रशिया या चाइना से नहीं लगा। ये इल्जाम पाकिस्तान पे इंडिया ने लगाया था, और लगातार उनके टीवी चैनल्स गुज़िश्ता कई दिनों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है और अपने मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहता है। आज इसी शुबे का इजहार मरियम नवाज साहिबा ने किया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, ये वो बयानिया है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फैला रहा है। हालांकि कल खुद तर्जमान तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद इस बात की तर्दीद कर चुके हैं। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, कह रहा है वो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, मुदाखलत नहीं। तालिबान इसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई है जो दुश्मन को खुश करने वाली बातें कर रहा है? सुनिए जरा। पाकिस्तान को अपनी मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात है, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफगानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं, जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। सवाल तो पैदा होता है, मरियम नवाज साहिबा ये बात क्यों कर रही हैं? किसको खुश करने के लिए कर रही हैं? वो क्या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत करे? क्या हमारे सियासी मफादात मुल्की मामलात से बढ़कर हो गए हैं? सर, मरियम नवाज पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात की अहम तरीन लीडर है, उन्हें मुल्की मामलात में इस तरह से बात करनी चाहिए? सर, आपको क्या लग रहा है, किसको खुश करने के लिए किस तरह की बातें करेंगे मरियम बीबी? चैलेंज करता हूँ, आप मरियम से पूछें अफगानिस्तान किधर वाकई है। अगर आप उनको बता दें तो फिर आप उनको कहिएगा। उसे पूछिए अफगानिस्तान के कितने सूबे हैं, अगर वो बता दे तो आई कैन बेट एनीथिंग ऑन इट। उसको कहें अफगानिस्तान में हुकूमत किसकी है, स्टेटमेंट के अंदर बहुत कंट्रडिक्शन है, उसको पता ही नहीं व्हाट इज शी सेइंग। एक तरफ वो कहती है कि हमें अफगानिस्तान के इंटरनल मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चले मान लिया। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम अफगानिस्तान के इंटरनल मामला में गवर्नमेंट मेकिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम नहीं चाहते कोई हमें ये कहे कि हमारे फेवरेट्स आए, और उसका आपने देख लिया कि जो उनके सरबराह लगाए उन्होंने रहबरी शूरा के, वो मौलाना हसन अखंदज़ादा जो हैं वो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है हैबतुल्लाह अखंदज़ादा से, वो भी पंजाबी से, वो भी नूरिस्तान अपना जो है एक नूरजई कबीले से वो ताल्लुक रखते हैं। और एक वो बड़ा, आपको पता है कि बहुत ही एक टॉप रेटेड जिसको एक एथनिक ट्राइब कहा जाता है नूरजई, वो है, वो भी फर्क और बड़े क्लोज रहे हैं मतलब। तो अब आप ये बताइए, अगर उन्होंने एक नॉमिनेट किया मुल्ला हसन अखंदज़ादा को और बजाते हैबतुल्लाह अखंदज़ादा ने याद किया है, तो इसके अंदर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस कहाँ से आ गई? हकानी जो है, हकानी साहब, हकानी, उनके ऊपर यूएसए ने हट बनी रखी हुई थी। जब उनसे मुजाकरात किए, पूरे मुजाकरात उनके साथ हैंडल किए उन्होंने दुआ में, रजनफर साहब आपने तो, क्या उन्हें मुल्की मामलात में इस तरह के स्टेटमेंट्स देने चाहिए सर? सर देखें, मैंने जो स्टेटमेंट सुनी वैसे उनकी अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो मुझे वैसे बड़ा अजीब लगा, एंड टू माय व्यू ये बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है ऑन हर पार्ट। बिकॉज देखें, ये तो वो बात है कि जो इंडिया कर रहा है, ये तो वो बात है जो कि अफगानिस्तान में वो कुछ फ्यू, वेरी फ्यू एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो ये बात कर रहे हैं। और ये उस वक्त बात की गई जबकि आपको पता है कि जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के और जो गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान की, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको बताया, कल भी ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की, उनको भी ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जीरो इंटरफेरेंस है। और वो ये भी कहते हैं कि हम किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस किसी भी मुल्क की हो पाकिस्तान समेत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि किसको सुन के ये बात की उन्होंने। हो सकता है कि उन्होंने कोई मीडिया ये जो ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की बातें, इंडियन टेलीविजन चैनल जो झूठ बोल रहा है जिस किस्म का, और वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ, हो सकता है उससे इन्फ्लुएंस हो गई हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इन्फ्लुएंस हो भी गई होती तो इस तरह के मौके के ऊपर इस तरह की बात करना बड़ा अनवाइज है ऑन हर पार्ट। और नवाज शरीफ साहब के बयान भी सर माजी में दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बड़े शर्मिंदगी का बाइस बने। अब मरियम नवाज साहब कह रही है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अवाम की मर्जी को तस्लीम करना चाहिए, यानी कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मर्जी को तस्लीम नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने की कि उनके बकौल पाकिस्तान को अपने नजरिए और फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। इल्जाम पाकिस्तान पे यूरोप से नहीं लगा, अमेरिका से नहीं लगा, अरब ममालिक से नहीं लगा, अफगानिस्तान के अंदर से नहीं लगा, सेंट्रल एशिया रशिया या चाइना से नहीं लगा। ये इल्जाम पाकिस्तान पे इंडिया ने लगाया था, और लगातार उनके टीवी चैनल्स गुज़िश्ता कई दिनों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है और अपने मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहता है। आज इसी शुबे का इजहार मरियम नवाज साहिबा ने किया।
طرح سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری خارجہ پالیسی بنانے میں ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی دوسرا ملک اس طرح کا دخل اندازی نہ کرے جس سے کہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس یہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے. دوسرا کلیم انڈیا کے علاوہ پوری دنیا سے صرف مریم نواز صاحبہ کا آیا کہ پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انڈیا شہر آپ آپ کے خیال میں اس طرح کے فیئرز آپ کو ہیں, یہ کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے یا یہ پریمپٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ ریاست ایسا کچھ نہ کرے جس کا خدشہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو, بلکہ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں پاکستان کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بھیجا مداخلت کر رہا ہے اور انڈیا کا موقف ٹھیک ہے؟ مریم پہ نہ دیں, انڈیا پہ بتا دیں. میں جملہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے عوام کی مرضی کو تصدیق و تسلیم کرنا چاہیے اور پاکستان کو اپنے نظریے اور فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. یہی انڈیا کہہ رہا ہے. یہ اچھی نصیحت ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. پہلے تو آپ نے افغانستان پہ شاید یہ پہلا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا ہے, باقاعدہ ان کی لیڈرشپ نے دیا ہے. اور وہ اگر میں آج اس سٹیٹمنٹ کو دیکھوں تو مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو انڈیا کا بیانیہ ہے. اگر پھر میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی بات کروں گی, میں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہی, لیکن آپ فیصلہ کریں, عوام بیٹھ کر فیصلہ کریں, کیا یہی بات انڈین میڈیا پاکستان کے اگینسٹ نہیں کر رہا؟ مطلب جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر, ہم صرف یہ کہتے ہیں, اگر آج ہم دیکھیں حمدللہ محب سے یہ ملے, اور کب ملے اور کن حالات میں ملے, اور وہ ہماری قوم کے بارے میں, وہ پاکستان کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتا تھا. پھر جب میں یاد کراؤں گی ڈان لیکس کرنے والے یہ, سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری لے جانے والے یہ, اپنی فوج اپنے جنرلز کے اوپر ایلیگیشنز لگانے والے یہ, جا کر نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ, جو تین دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, وہ گلبوشن کے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمے میں استعمال ہو. چاہے ہماری جو ڈان لیکس کی ہوئی ہیں وہ انڈین میڈیا کی زینت بنے, اور کل بھی آپ دیکھیے گا کہ انڈین میڈیا اس کو ہیڈ لائن کے طور پر چلائے گا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کی ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ نے وہ چلا رہے ہیں. کیا کا بیان ہے وہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت دور ہے, وہ سٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں.